दोस्तों नमस्कार। जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीटेट 2022 के परीक्षा पर आधारित कुछ प्रश्नों की। इस वीडियो में स्पेशली हमने सेलेक्ट किया है सीजीटेट के मैथ्स पार्ट को, और चाहे आप पेपर वन दे रहे हों या पेपर टू, दोनों ही पेपर्स में मैथ्स का जो पार्ट है वो आने वाला है। मीन्स अगर आप साइंस बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको मैथ्स के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट क्लास 1 to 5 के लिए दे रहे हो, पेपर वन या फिर पेपर टू दे रहे हो, दोनों ही पेपर्स में आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम आज हल करने का प्रयास करेंगे और उनके कुछ अलग तरीके जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपका टाइम भी बच पाए और आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी कम समय में इन प्रश्नों को बना पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल है, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 तथा 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो ये दिए गए चार संख्याओं से विभाजित हो जाए और चार अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या हो। दोनों चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। चार अंकों की होनी चाहिए सबसे बड़ी और उसके अलावा वो इन चार नंबरों से डिवाइड भी होना चाहिए। तो जब चार नंबरों से उसको डिवाइड होना है, इसका मतलब ये निकलता है कि हमको उसका एलसीएम तो पहले निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करना चाहूँगा ताकि उससे आपको आसानी से जो है जल्दी आपको एलसीएम निकल जाए। जैसे 15 को गुणनखंड करता हूँ तो 5 × 3 आ जाएगा, 25 को करता हूँ तो 5 × 5 आएगा, और अगर 40 को करता हूँ तो 2 × 4 × 8 45 आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं, और 75 को करता हूँ तो 3, 5 और 5। तो 5 जो है वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह 5 की घात 2 आ रहा है, तो सबसे बड़ा पावर हमने ये ले लिया। अब जहाँ पर भी कहीं 5 है उसको हटा देते हैं हम। फिर इसके बाद 2 की बात करें तो यहाँ पर है 2 की घात 3, तो आप 2 की घात 3 को ले लो, जहाँ कहीं पे भी 2 हो उसको आप हटा दो, कहीं नहीं है। 3 यहाँ पर भी एक ही बार आया है, यहाँ पर भी एक ही बार आया है, ठीक है। हाँ, 3 एक एक बार ही आया है। तो ये कुल मिलाकर के बात बनती है एलसीएम निकालने की। 5 × 5 = 25 हो गया और 2 × 2 = 4 × 8 हो गया और 3 हुआ 25 × 8 = 200, 200 × 3 करूँगा तो 600 आता है। तो इनका एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 600, लेकिन ये संख्या 3 अंकों की है। आपको वो संख्या निकालनी है जो 4 अंकों की हो और सबसे बड़ी हो। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पूरा का पूरा 600 से आप 9999 को भाग दे दें, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको 600 से भाग देते हैं, कितने बार जाता है तो ये 600 से एक बार तो पहले चला जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, फिर यहाँ पर यहाँ ले लें और फिर मेरे ख्याल से 6 बार और चला जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 399 यहाँ पर बच जाता है। तो 399 को इसमें माइनस कर दें आप तो आपको मिल जाएगा वो संख्या जो सबसे बड़ी होगी। तो 9999 इसमें आप 399 को माइनस कर दें, 1, 2, 9 में 3 गया तो 6, तो 9600। ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल मेथड हुआ जिससे आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जैसे आपने 600 निकाल लिया एलसीएम, तो ये पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं ये देखते हुए कि 600 के टेबल में 9000 आता है क्या। 9000 इनमें सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सकते हैं आप, 9800 लेते हैं। अगर आप 9800 में 600 का भाग नहीं जाएगा तो बिल्कुल गलत होगा, ये कट हो गया आपका। फिर उसके बाद हम आते हैं 9600 में, 9600 में ही आपको भाग चला जाता और मिल जाता, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता, सीधे आप यहीं से भी पिक कर सकते हैं, ये काम आपका बच जाता। तो ये एक तरीका हो सकता है, बाकी आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं। इस सवाल में आपसे ये पूछ रहा है, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब 3 नंबर हैं, लगातार नंबर हैं, उन तीनों का योग 18 है। अगर ऐसी संख्याएं आपको लेनी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उनको ले लें x-1, x और x+1। इसमें सीधा सीधा 1 कैंसिल हो जाता है और तीनों का टोटल 3x हो जाता है। ये 3x अगर 18 है तो x आपका 6 हो गया। अब x अगर 6 है तो इसका मतलब हुआ आपके पास जो नंबर थे वो थे 6, 5 और 5, 6, 7। अब अगले जो नंबर आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 8, 9 और 10। तो आपको इनका तीनों का टोटल निकालने बोल रहा है बस। तो 9, 8, 17, 17 और 10, 27। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 27। मेरा ख्याल है क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए आपको,
इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप नंबर निकाल लें, नंबर निकालने के बाद बाकी नंबर में आप उसको जोड़ दें। आप चाहें तो इसको और भी तरीके हैं जिनसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंफ्यूज होने के बजाय बेसिक पैप्टिस्टिक रहिए, ज़्यादा समय नहीं लेगा, ये आराम से आपको बना के दे देगा। अगला सवाल देखते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए और उसके बाद उसके रनों का औसत बढ़ गया 9 से बढ़ गया, मतलब 9 बढ़ गया उसका एवरेज। 12वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है, 12 गेम खेल लेने के बाद उसकी एवरेज बतानी है आपको। क्या करेंगे, मान लेते हैं हम उसका एवरेज एक्स है, तो अगर 11 पारी में उसने एक्स के रेट से बनाया तो टोटल उसने 11 एक्स रन बनाया। इसको ऐसे समझिए, अगर उसने एक्स के एवरेज से बनाया तो 11 एक्स रन बना लिए हैं उसने। अब 11 एक्स रन के बाद उसने 12वीं पारी जब खेली तो उसमें 129 रन और उसने ऐड कर दिए, अब उनके टोटल रनों का जो नंबर है वो हो जाएगा 11 एक्स रन 19। लेकिन वो कहता ये है कि उसका जो एवरेज था पुराना एवरेज उससे 9 बढ़ गया, मतलब अब x प्लस 9 हो गया और उसने अब खेल ली 12 पारियां, तो 12 पारियां खेल ली तो 12 से उसको गुणा करना पड़ेगा, तो 12x धन 108 हो जाएगा। ये नया जो टोटल है वो बनेगा और ये पुराना टोटल है। दोनों को मैं 12 पारी के बाद अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनता है, 11x धन 129 बराबर 12x धन 108, इधर 12x है इधर 11x है, मतलब x का डिफरेंस 1 कर दूं अगर तो 129 में अगर मैं 8 को कम करता हूं 108 को तो ये हो जाएगा 11। तो ये जो एवरेज है 129 में 108 कम कर रहा है ना हम, तो ये होगा 21 कम हो जाएगा, 21 का डिफरेंस बन रहा है। ये 21 के डिफरेंस में मतलब 21 उसका एवरेज बना पुराना वाला एवरेज आ गया 21। अब इसमें ये कह रहा है कि 9 बढ़ गया, उसने पूछा हमको 12 पारी के बाद है, तो इसमें 12 पारी के बाद मतलब 9 और जोड़ दो आप तो आ जाएगा 30। तो कुल मिलाकर के नया जो एवरेज बनेगा आफ्टर 12 इनिंग्स वो बन जाएगा 30। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरा ख्याल है एकदम क्लियर है क्वेश्चन, कहीं ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इन्वर्स वेरिएशन का सिंपल क्वेश्चन है, जो आप अगर टीचिंग कर रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे तो आपने क्लास 8 7 में इसको पढ़ाया होगा। सिंपल M1 D1 के बेस पे भी अगर आप जाते हैं, अगर शॉर्टकट की ट्रिक से, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लगा सकते हैं आप। 15 व्यक्ति हैं 20 दिन में ख़त्म करते हैं, 25 व्यक्ति हैं कितने दिन में ख़त्म करेंगे आपको निकालना है। तो आप सीधा सीधा इसको यहीं से काट दें, 5 5 25, 5 4 20, 5 1 5, 5 3 15, 4 3 12, तो D2 आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 12 दिन में आप इस काम को ख़त्म करा सकते हैं। अब जो सवाल हम ले रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है एपी का उपयोग करना पड़ेगा हमें। 7 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा, अपवर्तियों का मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले वो समझ ले, मल्टीपल्स की बात हो रही है, यहाँ पे मल्टीपल्स की बात कर रहा है क्वेश्चन में। 7 के प्रथम 10 अपवर्त मतलब 7 का अगर मैं टेबल बता दूँ तो 7 14, इस तरह से आपको 70 तक जाना पड़ेगा और इनका सम लेना है आपको, और फिर उसके बाद उसको वापस 10 से डिवाइड कर देना, क्योंकि एवरेज यानी कि औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए औसत का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो 7 के टेबल आपको 70 तक जाना है 10 टाइम्स, तो बेटर होगा कि मैं 7 को कॉमन ले लूँ और अंदर 1 2 3 4 करके इसको 10 तक ले जाऊँ, तो एक सीरीज़ बन जाएगी। इस सीरीज़ को अगर मैं AP मान लेता हूँ तो ये 7/10 का मामला अलग रखो और इस AP को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो AP को सॉल्व करेंगे, n/2 मतलब हो जाएगा 10/2, तो 5, और उसके बाद आपका अंदर आ जाएगा 2a, तो 2a प्लस n-1d, तो 9, तो 2+9 आ जाएगा अंदर, 2+9 11 11 5 55, 55 × 7/10, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, अपॉन 10 385 अपॉन 10 आएगा,
इसको सिंपलीफाई करता हूँ तो डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट के बाद, तो 38.5 आ जाएगा एक डिजिट बाद, मतलब राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो 38.5 आपका आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, 38.5 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, 225 मीटर लंबी रोड के बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं, इस दूरी के आरंभ तथा अंत में पेड़ लगाए गए हैं, तो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको बतानी है। आप इसको ऐसा समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 225 मीटर की दूरी है, एक पेड़ यहाँ लगा है और एक पेड़ यहाँ लगा है जो फर्स्ट और लास्ट है, और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस में इस तरह से 26 पेड़ लगाए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि दो पेड़ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब इसे ऐसे समझिए कि पहला पेड़ और आखिरी पेड़, इसके बीच में सेक्शन कितने डिवाइड हो रहे हैं, इसके बीच में 26 माइनस 1 यानी 25 सेक्शंस डिवाइड होंगे, मतलब हर जो दूरी है वो 25 भाग में विभाजित होगी, तो आप इस 25 को इससे भाग देते हैं 225 से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 225 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, तो इसका मतलब हर सेक्शन जो है वो 9 मीटर के डिस्टेंस में डिवाइडेड है। ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है, ऑप्शन सी 9 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद अभी इसमें और क्वेश्चंस बाकी हैं जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसका सीरीज़ जो सेकंड सीरीज़ होगा, सेकंड पार्ट होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। ये कहता है, 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी 8 लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। 5 लड़कों की औसत आयु 12 है, मतलब 5 बच्चे जो हैं उनकी अगर मैं टोटल एज निकालूं तो 60 हो जाएगी, 3 और लड़के हैं उनका 16 है तो 16 तिया 48 हो जाएगा, टोटल कर दूं तो ये 108 हो जाता है। कितने लोगों का, 5 पहले लिया मैंने, 3 बाद में लिया, तो 8 लोगों का, तो 8 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाना चाहिए 8 एकम 8, 2 बच जाएगा, 2 बचने पे 28 हो जाएगा, 8 तिया 24 8 चौक 32 तिया 24 4 8 13। ये वाला ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 13.5 ईयर्स इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरह से हम आपको तैयार कराते रहेंगे आपके सीजी टेट की परीक्षा के लिए, अलग अलग टॉपिक पर और अलग अलग सेक्शन में हम वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार उसे हम हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में फिर आपके साथ, तब तक के लिए इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखता है। धन्यवाद।